स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और बात करेंगे HDFC और HDFC बैंक आज के दिन क्यों गिरे। तो HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो आज के दिन लगभग 6% की गिरावट हमें देखने को मिली है। कल HDFC ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था और ऑल टाइम हाई लगाने के बाद आज के दिन 6% की बड़ी गिरावट जो है HDFC बैंक में आज देखने को मिली है। 1626.95 रुपये का करंट प्राइस हमें HDFC बैंक का देखने को अभी के समय में मिल रहा है। इसके अलावा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इसमें भी 5.5% की गिरावट आज के दिन नोट की गई है और 2702 रुपये का हमें जो है इसका करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। तो ये गिरावट क्यों रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या रहे हैं, वो सब जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी को पता होगा कंपनी का जो है मर्जर होने जा रहा है, यानी कि HDFC और HDFC बैंक दोनों का मर्जर जो है होने जा रहा है। और मर्जर को लेके ही जो है मर्जर के ही कुछ अपडेट को लेके ये बड़ी गिरावट जो है आज के दिन शेयर में नोट की गई है। HDFC एंड HDFC बैंक फॉल 5% आफ्टर MSCI अपडेट स्पोक इन्वेस्टर। तो MSCI को समझेंगे, ये एक ग्लोबल इंडेक्स है, मॉर्गन स्टैनली सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं इस जो इंडेक्स है ये उसमें, और ये जो है एनालाइज करता है, अपडेट देता है काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे कुछ अपडेट जो है MSCI की तरफ से दिए गए हैं HDFC और HDFC बैंक को लेके, और इसी अपडेट के बाद बड़ी गिरावट जो है हमें HDFC और HDFC बैंक के शेयर में देखने को मिली है। तो क्या कुछ अपडेट हैं वो भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, MSCI की तरफ से जो है कहा गया है कि ये एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5 का यूज करेंगे HDFC और HDFC के मर्जर में। तो ये क्या है फैक्टर, किस तरह से, मतलब ये कहा है इन्होंने, ये जो है जो वेटेज है उसके वेटेज को नापने के लिए, उसको मापने के लिए जो है 0.5 एडजस्टमेंट फैक्टर का यूज करने वाले हैं। हालांकि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये जो है एडजस्टमेंट फैक्टर 1 का इस्तेमाल करें तब जो है ज़्यादा जो है इन्वेस्टर के हित में रहेगा। तो यहाँ पे MSCI की तरफ से कहना है कि हम जो है एक्सेसिव वोलेटिलिटी को रोकने के लिए, उससे जो है बचने के लिए फैक्टर 0.5 का जो है यूज करेंगे। हालांकि MSCI की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम अगली मीटिंग में जो है इस चीज़ को रिव्यू करेंगे और हम डिसीजन लेंगे कि हमें जो है फाइनली कौन से फैक्टर का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये फैक्टर की वजह से फ़र्क क्या पड़ रहा है शेयर पे, तो फ़र्क ये पड़ रहा है कि अगर 0.5 का फैक्टर इस्तेमाल करते हैं तो आउटफ्लो हो सकता है $150 मिलियन से $250 मिलियन के आसपास, यानी कि जो मर्ज्ड शेयर होगा HDFC और HDFC बैंक का, तो उसमें से जो है हमें सेलिंग आउटफ्लो यानी कि निकासी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, 150 से 200 मिलियन की निकासी जो है हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर वो फैक्टर 1 का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इनफ्लो खरीदारी यानी कि आगमन लगभग $3 मिलियन के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो ये जिस हिसाब से, और ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, ये अभी फाइनली नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेशन है कि 150 से 200 मिलियन तक का हमें आउटफ्लो देखने को मिल सकता है अगर 0.5 का फैक्टर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, और अगर 1 का इस्तेमाल किया जाता है तो हमें इनफ्लो $3 मिलियन के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो ये जो न्यूज़ है ये सिंपली इंडिकेट करती है कि अगर ऐसा होता है तो मर्जर के बाद में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को हो सकता है कुछ नुकसान करने का, शेयर का प्राइस जो है निचले दाम पे देखने को मिले या सेलिंग उसमें स्टार्ट हो जाए, तो उस वजह से लोग जो है पहले ही वहाँ से जो है उन्होंने एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया है। सबको पता है HDFC बैंक ऑल टाइम हाई पे था, तो और आज के दिन तो ओपन ही लगभग 5% की गिरावट के साथ हुआ था, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने जो है HDFC बैंक से अपना एग्जिट कर दिया है। काफ़ी बड़ी जो है सेलिंग उसमें देखने को मिली है, लगभग जो है 80,000 करोड़ बाइप आउट हो चुके हैं HDFC और HDFC बैंक दोनों के मिला के अगर हम देखते हैं तब। और सेम चीज़ वही रही, यानी कि HDFC हमें पता है जॉइंट कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और उस वजह से जो है हमें Nifty 50, सेंसेक्स या फिर निफ्टी बैंक में भी बड़ी गिरावट आज के दिन देखने को मिली, यानी कि पूरा मार्केट ही जो है गिर गया इन दोनों कंपनियों के शेयर के गिरते ही। एट प्रेजेंट अगर हम वेटेज की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि 6.74 का वेटेज अभी MSCI इंडिया इंडेक्स में हमें देखने को HDFC का मिल जाएगा, लेकिन मर्जर होने के बाद जो फैक्टर इस्तेमाल किया जाएगा उससे जो है 6.5% का वेटेज जो है रह जाएगा MSCI इंडिया इंडेक्स में, यानी कि पहले से जो है लोअर होगा। पहले से लोअर होने का मतलब ये है कि जो ऊपर का पोर्सन बचा 0.24%
वो जो है उतने हिस्से का जो पैसा है जो कि लगभग 150 से 200 मिलियन के आसपास का हो सकता है। तो वहाँ से जो है मॉर्गन स्टैनली का जो ये इंडिया इंडेक्स है, MSCI का जो इंडेक्स है, वहाँ से उसकी जो है सेलिंग आउटफ्लो यानी कि वो पैसा हमें जो है इन दोनों कंपनियों से निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कि उतने रुपए के जो शेयर हैं उसकी बिकवाली हमें जो है शेयर में देखने को मिल सकती है मर्जर होने के बाद में। तो ये जो न्यूज़ थी यानी कि वो वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अब आजकल होता क्या है कि कोई इस तरह की न्यूज़ पब्लिश होती है और शेयर में जो है बिकवाली स्टार्ट हो जाती है और लोग सोचते नहीं हैं कि हमको डिसीजन किस तरह से लेने हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी जो होती हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं या म्यूचुअल फंड भी होते हैं, तो वो वहाँ से भी जो है बिकवाली बड़ी होनी उस तरह से स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से सिंपली अभी करना क्या चाहिए, सिंपली वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। और चाहे तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे मैं पर्सनली अगर मैं बताऊं तो आज के दिन मैंने HDFC बैंक में कुछ शेयर बाई किए हैं एज ए टोकन अमाउंट बाई किए हैं। और अगर किसी वजह से HDFC बैंक के शेयर और गिरते हैं 50 रुपये 100 रुपये के आसपास, तो मैं जो है वहाँ पे और बाइंग अपनी करने वाला हूँ। तो आप ही अपने हिसाब से, आपका जिस तरह का इंटरेस्ट है, आप अपना जो भी आप जिसकी भी रिसर्च को सुनते हैं, जिस भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की आप सलाह लेते हैं, तो आप अपना डिसीजन लेके अपना जो है आप उससे एडवाइस लेके अपना डिसीजन ले सकते हैं कि HDFC बैंक के साथ आपको करना क्या है। अगर आप निवेशक हैं तो किसी भी तरह का कोई फियर आपको नहीं रखना चाहिए, ये एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है जिसका समाधान जो है जल्दी हो जाएगा। और HDFC बैंक का शेयर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, तो कंटिन्यूसली मेरे ख्याल से होल्ड करके आपको बने रहना चाहिए अभी कंपनी में।